उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी और चुनाव समिति की प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी 70 प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, सांसद अजय टमटा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि पार्टी सभी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। कोर कमेटी की बैठक और चुनाव समिति की बैठक में यहां के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद केंद्रीय इलेक्शन कमेटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वहां से मुहर लगने के बाद जल्दी पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। मैं जब इलेक्शन कमेटी इधर होके जब दिल्ली जाएगा वो पता चलेगा, जब भी पता चलेगा आपको मैं तुरंत बता दूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि पहले मंडल स्तर पर चर्चा हुई, उसके बाद जिले स्तर पर चर्चा हुई और अब प्रदेश स्तर पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहाँ की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बाकी पार्टी का आदेश अंतिम है। सहयोगी आशु के साथ रश्मि पंवार, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।